जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो मैंने हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता, जी हाँ बहनों के लिए बड़ी खबर लेके, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं से बहनों के चेहरे खिले हैं। साथ में सभी राज्यों का तो बढ़ा मानदेय वो भी आना शुरू हो चुका है। तो कौन कौन से राज्यों का कितना कितना इस बार बढ़ावा मानदेय आना शुरू हो चुका है तो सारी जानकारी मैंने मैं आपके इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि मैंने आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य की और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो मैंने हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। साथ में बनो आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो भी आप जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो बनो सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों की बात करें तो जलवाड़ा और किशनगंज में पोषण अभियान को लेकर किया जागरूक। यहां पर पूरी बात करें तो कस्बे में पोषण अभियान के तहत चल रहे पखवाड़े के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगियों व बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। इस अवसर पर बच्चों को कई जानकारियां दी गई। प्रभात फेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रियंका सुमन समेत कई आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थी। कलेक्टर इंदर सिंह राव ने होली पर्व के अवसर पर कस्बे में चार बुजाजी मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में गुलाल उड़ाकर पोषण व स्वास्थ्य का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में पोषण माह के तहत 10 से 24 मार्च तक कई कार्यक्रमों के माध्यम से शिशुओं व गर्भवती महिलाओं को पोषण के संबंध में जागरूक किया जाएगा जिससे जिले को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण का संदेश प्रशासित करते हुए रैली निकाली गई जिसमें कलेक्टर सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं आमजन शामिल थे। इधर दोस्तों हेमराज मीणा होंगे कार्यवाहक वीडियो। यहाँ पर छड़ा कलेक्टर इंदर सिंह राव ने पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्रालय जयपुर सचिव के निर्देश पर हेमराज मीणा सहायक सचिव कलेक्टर को छबड़ा पंचायत समिति के बीडीओ के रिक्त पद का अतिरिक्त भार अस्थायी तौर पर संभालने के निर्देश दिए गए। उधर पंचायत समिति के बीडीओ का पद काफी अरसे से रिक्त है जिसका भार पंचायत परिसर अधिकारी सुगनंद यादव को दिया गया। इधर बाड़मेर शहर के आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता व सहायकों की मेहरबानी से संचालित हो रहे है। पिछले 6 महीनों से केंद्रों को एक पैसे का बजट नहीं मिला। खर्चों के लिए बजट नहीं मिलने से आंगनबाड़ी कर्मी को खुद की जेब से भुगतान करना पड़ रहा है। वही अगस्त से मानदेय भी बकाया चल रहा है। ये स्थिति केवल बाड़मेर शहर की नहीं पूरे जिले में ही ऐसे हालात बने हुए। उधर अल्प मानदेय में काम करने वाले केंद्र कार्मिकों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले से काम मानदेय वह भी 6 महीने से नहीं मिलने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। शहरी क्षेत्र में 68 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी बच्चों को शिक्षा देने के साथ पोषण युक्त भोजन देती है। सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 जबकि सहायिकाओं को 4,250 व आशा को 2,700 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। ऐसे में 6 माह से मानदेय नहीं मिलने और अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन भी मुश्किल आने लगी है। उधर भवनों का किराया भी बाकी पड़ा है। शहरी क्षेत्र में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में संचालित हो रही है। विभाग की ओर से अक्टूबर माह के बाद इनका किराया भी नहीं दिया गया। अब भवन मालिक के साथ कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोषाहार का भी भुगतान यहाँ पे नहीं हो पाया। तो बनो ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ बनो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो भी आप जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।